अभी आप लोगों ने एक बात आई थी कि सर जो हम अंगूठियां पहनते हैं या फिर जो हम जेम स्टोन्स पहनते हैं उसके क्या प्रभाव मिलते हैं और उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखें आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट अच्छा है या ख़राब है। अच्छे प्लैनेट का कभी आपने दान नहीं करना, ये आप लिख लें, चाहे कोई कितना भी कह दे, अच्छे प्लैनेट का कभी आपने दान नहीं करना है। चाहे कोई कितना भी कह दे कि अगर तुम्हारा शुक्र बहुत अच्छा है, बलवान है, तुम इस प्लैनेट का दान करो, आपने उस प्लैनेट की एनर्जी को दान कर दिया, मतलब उस प्लैनेट को आपने वीक कर लिया। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका शुक्र बड़ा मजबूत है और आपने सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चालू कर दिए, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गए, चावल भी नहीं, चावल मंगल चंद्रमा का होगा तो सफ़ेद कपड़ा हो गया, इस तरीके से अगर आपने चीज़ों को दान करना चालू किया तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो कमज़ोर होने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत बलवान है, बहुत उच्च का है और आपने अगर उसका दान करना चालू किया तो मान के चलना वो आपको नुकसान देगा। दान किसका करना चाहिए, ये बहुत सारी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ये कहते हैं कि शनि खराब है तो दान करो, इट्स ओके। अगर सूर्य खराब है दान करो, इट्स ओके। सूर्य मजबूत है दान करोगे तो डेफिनेटली आपको सूर्य के जो एनर्जी है वो आपको नहीं मिलेगी। जो लोग सक्षम हैं वो स्टोन्स पहन सकते हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं वो क्या करें, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उनके लिए मैं रेमेडीज दे रहा हूँ। अगर मान लो किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर है, मैंने कहा ना कि जो प्लैनेट आपका उच्च का है, जो प्लैनेट आपका पॉजिटिव है उसका आप दान नहीं करेंगे, उसे आप सेव करके रखेंगे, और जो प्लैनेट कमजोर है उसे आपने इन्हेंस करना है, उसको बढ़ाना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर है तो सूर्य की एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सूर्य भगवान को आप जल दीजिए, तांबे के लोटे में जल, में मना करता हूँ कि तांबे के लोटे को छोड़ करके आप किसी भी पात्र में जल दीजिए, क्योंकि कॉपर जो है वो फायर एलिमेंट है और पानी जो है वो वाटर एलिमेंट है, तो पानी और आग और पानी दोनों आपने मिक्स किया और आप भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके आपके कोई प्रभाव नहीं मिलेंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जब मैं उनसे कहता हूँ कि सूर्य नारायण को आप जल दें तो वो कहते हैं सर हम तो 2 साल से देते आ रहे हैं, 4 साल से देते आ रहे हैं, परंतु हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तब मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि आप कॉपर के तांबे के लोटे में पानी देते हैं, तो वो कहते हैं हाँ सर। मैंने कहा इसलिए नहीं मिला, एक बार चेंज करके देखो, क्या दिक्कत है, लोटा चेंज करके देखो, 1-1.5 महीने तक फ़ायदा मिलेगा। तो वो कहते सर इसका क्या, मैंने कहा इस पर मत जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो कर लो, भाई लोटा ही तो चेंज करना है आपने, भाई जो आप रूटीन में है वही कर रहे हैं, बस आपने लोटा चेंज करना है। आप या तो स्टील का ले लो या तो आप पीतल का ले लो, तांबे का कुछ दिन अवॉइड करो, आप देखो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और रिजल्ट्स मिले, वो आके फिर बताते हैं कि सर आपने जो बताया था काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर दूसरा, सूर्य को और ज़्यादा इन्हेंस करना है तो पीले कलर का कपड़ा, गोल्डन कलर का कपड़ा, अब सूर्य का कलर आप डिपेंड कर लो, मॉर्निंग में वो लाल होता है, इवनिंग में जब वो ढलता है तो वो हल्का सुनहरा, गोल्डन या पीला, या उसे हम आसमानी रंग, पीला रंग भी, ऑरेंज कलर भी कहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कपड़े पहनना चालू करो, आपकी एनर्जी इन्हेंस होना चालू हो जाएगी। अगर मान लो किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है तो चावल का दान करें, सफ़ेद कपड़े का दान करें, ठीक है, और अपने साथ उन चीज़ों को रखना चालू करें। नहीं रख सकता तो चांदी का सिक्का ले लें, चांदी का सिक्का नहीं ले सकता है तो एटलीस्ट थोड़ा सा चावल अपनी जेब में रखे, सफ़ेद कलर का रुमाल अपने साथ रखे, उसका चंद्रमा मजबूत होगा, दान कर रहा है, क्योंकि जब वो दान कर रहा है तो चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी को वो दान कर रहा है और धारण कर रहा है, तो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु ग्रह कमजोर है तो पीले कपड़े का दान, पीले कपड़ों का दान ना करें, पीले गुरु का कभी दान नहीं होता है, गुरु का उपाय होता है वो करना होता है, पीला कपड़ा पहने, पीले कलर का धागा अपने हाथ में बांधे, ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी खाए, हल्दी का सेवन करे, तो इस तरीके से गुरु ग्रह जो है, गुरु प्लैनेट जो है वो उसका उच्च का होगा। अब राहु और केतु की बात करते हैं, राहु शनि, राहु और केतु, ये 3 प्लैनेट इतने खतरनाक प्लैनेट हैं जो इंसान को उल्टा लटका देते हैं। अगर ये कोई गलती कर गए ना
पे उल्टा लटका देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ग्रह तीनों के तीनों तामसिक ग्रह हैं। तामसिक मतलब उग्र ग्रह हैं, ये कभी माफ नहीं करते। अगर शनि राहु केतु आपने कोई गलती करी तो दूसरे जो देवता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है यार जाने दे। वो एक स्वम स्वभाव के होते हैं, उनका नेचर जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। परंतु शनि राहु केतु ये तीनों प्लैनेट इतने खतरनाक हैं, वो आपको पनिशमेंट देंगे। अगर आपने काले कलर का कपड़ा पहन करके झूठ बोला, क्या कह रहा हूँ, अगर आपने काले कलर का कपड़ा पहन करके झूठ बोला तो शनि ग्रह आपको डेफिनेटली पनिशमेंट देगा, डेफिनेटली, ये चेक कर लेना। अगर आपने जो व्यक्ति आपके सानिध्य में है, जो व्यक्ति आपके नीचे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके घर पे काम करते हैं, सर्वेंट है, अगर मेल है तो उसकी वाइफ हो गई, जो आपके सानिध्य में है, जो आपके नीचे हैं, उनको अगर आप दुख देते हो तो शनि ग्रह आपको 101% जो है वो आपको पनिश्ड करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि काला कलर का कपड़ा अवॉइड करना चालू करो, किसी भी फॉर्म में काले कलर को अपने साथ ऐड ना करो। 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए इट्स ओके, बट काला कलर का कपड़ा, चाहे आपका शनि उच्च का हो, चाहे आपका शनि अंतरदशा महादशा, चाहे प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा चल रही हो, आप काले कलर को अवॉइड करो। अब क्यों अवॉइड करो, इस पर भी मैं एक छोटी सी टिप्पणी करता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। हमें लाइफ में क्या चाहिए, डार्कनेस चाहिए या लाइटनेस चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आप काले कलर का कपड़ा पहन रहे हो तो आपका जीवन डार्क की तरफ जाएगा, अगर आप अपना कपड़ा लाइट कलर में पहन रहे हो तो आपका जीवन लाइटनेस में जाएगा। यहाँ पर एक तर्क वितर्क आ सकता है कि सर बहुत सारे लोग काला पहनते हैं, उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ, उसके जीवन में ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई, मैंने लग्जरी गाड़ियों को देखा है कि काले कलर की होती है, मानता हूँ, बट मैंने ये भी देखा है कि कई लग्जरी कार ब्लैक कलर की होने के कारण वो बिकी है, उसको सब कुछ अच्छा चल रहा था परंतु जैसे ही उसने लग्जरी कार खरीदी ब्लैक कलर की, सारा का सारा बिक गया, घर तक बर्बाद हो गया। तो काला कलर हर किसी व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं है, और मैंने ये भी तक देखा है कि जिस व्यक्ति का शनि बहुत उच्च का है और राहु की अगर उसके ऊपर दशा चल रही है और वो काला पहन लिया तो समझ लो बर्बाद कर देगा। राहु और शनि ये दोनों प्लैनेट जो है वो बहुत ही खतरनाक प्लैनेट हैं। केतु एक बार थोड़ा बहुत वो माफ कर देगा परंतु वो हिला के रख देगा। तो शनि और राहु ज़्यादातर हम सुनते ही हैं, तो ये दोनों प्लैनेट जो होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है, इसलिए इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर खराब है तो दान करें काले कपड़े का, काले तिल का, काली उड़द का, या काले कपड़ों से रिलेटेड लोहे का दान करें, छाते का दान करें, अम्ब्रेला का दान करें, कंबल का दान करें, तो आपका शनि जो है वो आपको बैलेंस करेगा। और अपने नीचे जो सर्वेंट होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, या अगर आप ऑफिस में हैं तो आपसे नीचे जो प्यून हैं उनको आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, उसका अगर आप आदर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका आप अनादर भी ना करें, नहीं तो आपको शनि जो है वो पनिशमेंट देगा। राहु का काम है बुद्धि को भ्रष्ट करना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हरकत करता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचता है, सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में वो नेगेटिव देखता है, पानी में भी वो देखता है कि ये गलत है, आग में भी वो नेगेटिविटी देखता है, मतलब वो हर चीज़ में अगर नेगेटिविटी देख रहा है तो उसका जो राहु है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। राहु को बलवान करने के लिए वह व्यक्ति कॉफ़ी पिए। अब आप बोलोगे सर कॉफ़ी आप पी के देखो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि राहु को आप उसकी भूख दे रहे हो। ब्राउन कलर का आप कपड़ा रखना चालू करो, कुछ दिन तक आप अपनी जेब में रखो, उसके बाद उस कपड़े को जला दो, टॉयलेट में जा कर के उस राख को फेंक दो और पीछे से 1-2 बाल्टी पानी मार दो, आपका राहु शांत हो जाएगा। ब्राउन कलर का कपड़ा अपने साथ रखो, 2-3 दिन के बाद जला के फेंक दो, आप देखोगे कि आपका राहु शांत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो रेमेडीज़ होती हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वो भी आप कर लेना, बट ये सिंपल रेमेडीज़ हैं, आप ऐसा कर सकते हो और इसके आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। उसके बाद राहु से रिलेटेड आप क्या करें, जौ का दान करें। जौ राहु है, राहु मतलब पितृ, साउथ वेस्ट की दिशा, तो आप ये करें। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने घर के साउथ वेस्ट में आप हमेशा एक पीले रंग का बल्ब जला के रखें, हमेशा सुबह से लेकर शाम तक, मतलब वो बल्ब जो होगा 24 आवर्स जलता रहे,
आपके घर में राहु एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु जो है वो पीले कलर से डरता है बोल सकते हो, घबराता है बोल सकते हैं, या पीले कलर के लिए वो एंटी है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट जो अर्थ एलिमेंट होती है, और अर्थ का कलर भी क्या है, पीला, और राहु का जोन कौन सा है, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में अगर आप 24 आवर्स येलो बल्ब जला के रखते हैं, पीले कलर का बल्ब जला के रखते हैं, नाइट बल्ब 24 आवर्स जलता रहे, आप देखोगे कि आपके घर में अर्थ एलिमेंट भी मजबूत होगा, राहु के जो दुष्प्रभाव है वो भी आपके घर में खत्म होने लगेंगे, और आपको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी रेमेडीज से हम चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे घर को तोड़ फोड़ दिए, मरोड़ दिए, उसके बाद बोले ये कर लो, ऐसा नहीं है। जो रेमेडीज ईजली हो सकती है वो इजी तरीके से कराई जाए। अब क्लाइंट के पास में पैसा ही नहीं है, समझना इस बात को, उसके पास पैसा ही नहीं है, और आपने उसको कह दिया कि 20,000 रुपये का ये सामान लगेगा, वो दे ही नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। तो पहले उसको खड़ा तो कर दो, पहले उसको एक लेवल पे खड़ा तो कर दो, पहले उस लेवल पे उसको इस लायक बना दो कि एटलीस्ट वो आपकी काउंसलिंग की तो फीस दे सके, उसके बाद आप उससे जो भी आप बोलोगे वो करेगा। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पहले ही क्लाइंट को क्या करते हैं, एक मैटर दे देते हैं, तेरा ये खर्चा है। जब आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स होंगे, जब आपके पास ज़्यादा लोग होंगे तो आप कम में काम करोगे, और जब आपके पास कम लोग होंगे तो आप ज़्यादा में काम करोगे। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब आपके पास ज़्यादा क्लाइंट होंगे तो आपकी जो फीस होगी वो कम होगी। अब ये एक साइकोलॉजी होती है, मैं बताऊंगा। जब आपके पास कम क्लाइंट होंगे तो आपकी फीस ज़्यादा होगी, ये डेफिनेटली है, क्योंकि व्यापार जो करता है, कहते हैं ना कम मार्जिन में ज़्यादा सेल, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यापार करते हैं उन्हें पता होता है कि मार्जिन कम है, मगर मेरे पास डेली का अगर 1,00,000 रुपये आ रहा है तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा। अब क्लाइंट कम है तो मुझे निकालना भी तो है, खुद के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस का रेंट, मेरा खर्च, मेरी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो गणित लगाना चालू कर देते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट क्लाइंट को इतना सपोर्ट कर दो कि वो संतुष्ट हो जाए, और जब संतुष्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके साथ वो डील करेगा।